चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो कि शिवपुरी से सामने आ रही है। मंत्री सुरेश धाकड़ का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में धाकड़ ने मंच में कुछ बयान दिए हैं, वो भी आपको बताएंगे। आपको भी बता दें कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं धाकड़। धाकड़ ने मंच से ये स्वीकार किया कि मैं बिका जरूर हूँ, लेकिन जनता और सिंधिया के लिए। कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए हैं धाकड़। आपको ये भी बता दें, एक चुनावी सभा में उन्होंने ये कहा कि मैं बिका जरूर हूँ, लेकिन जनता के लिए और सिंधिया के लिए। तो ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में क्या कुछ उन्होंने कहा है, ये आप सुनिए। मैं बिका जरूर, लेकिन मैं आपकी खातिर बिका। मैं बिका तो हम सबके लोकप्रिय नेता श्रीमंत महाराज साहब के साथ गया। मैं बिका जरूर, लेकिन मैं आपकी खातिर बिका। मैं बिका तो हम सबके लोकप्रिय नेता श्रीमंत महाराज साहब के साथ गया। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी वीरेंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र, ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें खुद मंत्री ये कहते नजर आ रहे हैं कि मैं बिका जरूर हूं, लेकिन जनता के लिए और सिंधिया के लिए। बताना चाहूंगा, ये पौड़ी से जो भाजपा के प्रत्याशी है सुरेश धाकड़ और जो मध्य प्रदेश शासन में पीडब्ल्यूडी से राज्य मंत्री है, इनका वीडियो वायरल हो रहा है। इनमें कहते नजर आ रहे हैं कि वह उन्नत स्वयं ने स्वीकार किया है कि वह बिके जरूर हैं, लेकिन सामने जनता की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि मैं आपके लिए बिका हूं और उनके जो महाराज हैं जो कि ज्योतिष सिंधिया को महाराज बोलते हैं कि उनके लिए बिका हूं। हालांकि इस तरह के और भी वीडियो आए हैं जिसमें इनकी इस तरह की जो बातें हैं वो सामने सुनने को मिल रही है। जी जी, वो कैसे बिका वर्ड जो उन्होंने यूज किया है, जो शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया है, इस शब्द की जगह कुछ और भी वो कह सकते थे, लेकिन ये जो है इस पर निश्चित तौर पर अब आगे सियासत भी होगी। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा, ये असल जब जो 22 विधायक कांग्रेस को छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे उस समय कांग्रेस ने आरोप लगाए थे कि भाजपा ने इनको खरीदा है, और वहीं इन विधायकों पर भी आरोप लगाए थे और भाजपा पर भी आरोप लगे थे। तो इनका कहना ये था कि जो विपक्ष जो दूसरी कांग्रेस पार्टी से जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं वह आएंगे और आपसे मेरे पर जो आरोप लगा है उसका हवाला देंगे, लेकिन उनकी बातों में नहीं आना है और मैं लेकिन बिका हूं, वह जनता के लिए बिका हूं और महाराज सिंधिया के लिए बिका हूं। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये वीडियो वायरल हो रहा है, आपको बता दें बीजेपी प्रत्याशी हैं धाकड़ और उनका ये वीडियो सामने आ रहा है जो कि काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने खुद स्वीकार किया कि मैं बिका जरूर हूं, लेकिन जनता के लिए और सिंधिया के लिए।